हेलो। हेलो, आपका मिस कॉल था। नमस्कार हाँ जी, नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर मैं पंजाब से बोल रहा हूँ, अच्छा, आपका राजेश बेटा है बोल था, रहा हूँ। टाइप वन का। हाँ जी, बेटा है जी, 8 साल का। हाँ जी तो ये अपना फरवरी 2020 में ये डायग्नोज हुआ सर। था इस समय टाइप वन। सर्दी है, पानी कितना हाँ पी जी, रहे हैं और फ्लूइड दूध दूध वगैरह कितना दे रहे हो आप, वो बताओ। नहीं वो दूध वगैरह तो बिल्कुल बंद करे हुए हैं, डेयरी प्रोडक्ट सारे बंद है, कब चॉकलेट से? वगैरह जो भी। ये जब से डायग्नोज हुआ ना उसके महीने बाद हमने बंद कर दिए थे। अच्छा, महीने के बाद। और हाँ, दूध और चाय वगैरह कुछ नहीं दे रहे? नहीं दे रहे बिल्कुल भी, दूध वाली चीज कोई भी नहीं दे रहे हम। और उसका क्या कर रहे हैं, पानी कितना है? पानी पानी तो पीता बच्चा, जब ये डायग्नोज हुआ था तब तो पानी ज्यादा चलता था क्योंकि पानी की प्यास तो काफी लगती थी बच्चे को। तो अभी जैसे जैसे हमें पता चल रहा है तो थोड़ा पानी तो मतलब उससे कम हुआ आगे से। कितनी रोटी खाता वैसे है? बच्चा पी रहा है। हाँ जी, रोटी कितनी खा रहा है? रोटी बच्चा खा लेता है, ये 2 से 3 रोटी खाता है एक टाइम पे। 1 टाइम 2 से 3 है ना। तो आप ना ऐसा करो, करीब करीब 150 ml पानी दिया करो रोटी के साथ साथ। ठीक है सर, ठीक है। और जैसे कल अगर शुरू करते हो तो कल पानी 150 150 करके सिर्फ 450 500 ml दो पूरे दिन में। इसके अलावा कोई लिक्विड मत दो, खाने के साथ ही दो बस। ठीक है जी, ठीक है। हाँ जी, और वीडियो तो हमने काफी देखे हैं जी आपके इसके रिगार्डिंग, फिर हमने हाँ, आपको। हाँ तो यही करो। और धीरे धीरे वॉक एंड रेस्ट भी कराओ। 15 बारी दिन में कम से कम 5 मिनट चलना है, 5 मिनट लेटना है, बैठ के नहीं, लेट के आराम करना है। अच्छा, लेट के आराम करना। हाँ, ये पंद्रह पंद्रह बारी दिन बारी में, 15 बारी कैसे, मतलब एक टाइम पे 15 बार के या पूरे दिन में? पूरे दिन में। अच्छा, पूरे दिन में। हाँ, तो मतलब कभी आधे घंटे बाद कर लिया, कभी 2 घंटे बाद कर लिया, ऐसे करके एवरेज निकल रहा है 15 बारी। अच्छा जी, 15 बार लेटना और 15 बार चलना। पांच पांच ठीक मिनट है के जी। हाँ जी, 5 5 मिनट के लिए बस। 5 5 मिनट के लिए। हाँ, ठीक है जी। ये करना शुरू करो। और ये देखो सदैव कब आना शुरू होता है। अच्छा जी, अच्छा जी। अगर आप इस लाइन पर ठीक से चलते रहे ना, तो 6 महीने साल के अंदर इंसुलिन वगैरह बंद हो जाएगी, डायबिटीज ठीक हो जाती है। नहीं, ये इंसुलिन जैसे हमारी चल रही है अभी, हम सुबह इसको लगाते हैं 3 का यूनिट लगाते हैं और शाम को भी रात को 2 का यूनिट लगते हैं, टोटल दिन में 5 यूनिट देते हैं। और शुगर कितनी आ जाती है फिर? शुगर सुबह की तो आ रही है अपनी कोई 140 150 मैक्सिमम, और नीचे 120 125 तक ये रूटीन चल रही है। और शाम की भी मतलब 200 250 के करीब रहती है जी। तो ये बच्चा इससे मतलब, नीचे मत लेके जाओ शुगर ना, इससे नीचे मत लेके जाना। अच्छा इससे नीचे ना लेके जाएं। ना ना, अच्छा अच्छा देखो जी। आप मोटी सी चीजें समझो। शुगर का मतलब होता है कि आपके ब्लड में शुगर है, सेल में नहीं है। जी अगर जी जी ब्लड की आपने ज्यादा गिरा दी, जी और सर। जब डायबिटीज होती है तो इसका मतलब सेल में काफी कम हो गई है, पर हमें चाहिए होती है सेल में, बहुत जरूरी। जी सर, जी तो अगर आपने इसको नॉर्मल पर ले आए तो सेल में जो कमी हुई है वो तो कभी पूरी नहीं होगी ना। ठीक। तो कोशिश ये रहनी चाहिए कि 150 और 200 के बीच में रहे। 250 से ऊपर 300 से ऊपर जाने में प्रॉब्लम क्या होती है, फिर हमारे जो वाइटल ऑर्गेन्स है ना, जी हार्ट के मसल्स भी है, दिमाग के और बाकी सब चीजों के, फिर हमारे अगर ज्यादा ऊपर हो जाए ना तो हमारे वाइटल ऑर्गेन्स को जो ब्लड सप्लाई मिलनी होती है वो भी अफेक्ट होने लगती है, इससे सुस्ती आती है। सबसे मेन चीज जो देखने वाली होती है डायबिटीज में, चाहे 200 हो या 250 या 300 हो, जी क्योंकि छोटी एज में आपकी वेन्स वगैरह भी फ्लेक्सिबल होगी, तो वो अगर हाई भी जाएगा तो भी लोड ले लेगी। बिल्कुल ले लेगी। हाँ तो अगर लोड ले लिया और वो चला गया तो उसकी सबसे बड़ी जो होती है ना पहचान, वो होती है कि एनर्जी कितनी है, बच्चा चुस्त कितना महसूस कर रहा है। बच्चा तो चुस्त है बिल्कुल, खेल कूद रहा है, मतलब कोई इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। 350 350 भी जब आ जाती है तो भी हमें ये मतलब कोई बताता नहीं है कोई सिम्टम ऐसा, खेलता कूदता रहता है। तो बंद करके देखोगे? अच्छा जी, आप ये वाला रूटीन करो। अभी वैसे कितना पानी चल रहा है? सर्दियां हैं, सर्दियों में ज्यादा पानी की जरूरत नहीं है? नहीं, सर्दियों तो चल रही है, पानी तो कम ही मतलब बच्चा पी रहा है अभी, पानी की तो इतनी जरूरत नहीं है अभी। जरूरत नहीं, पर फिर भी कितना हो रहा है, 5 6 गिलास हो रहा है? 5 6 गिलास तो नहीं है सर, 4 के गिलास तो होंगे एक बार से। चेक करो। एनीवे आप उसको छोड़ो, आप एक बार ये 2 दिन के लिए करके ना फिर बताओ कितनी आ रही है शुगर। ठीक है सर, ठीक है। ये मतलब हमें तो यही चाहिए ना कि बच्चा इंसुलिन फ्री हो। हाँ जी, मेन टारगेट वही है, टारगेट वही है ना, अपना भी टारगेट यही है कि ये बच्चा निकल जाए इस चक्कर से। डेली इंजेक्शन बेचारे को सुबह और शाम लगाना पड़ता है बच्चे को, तो बहुत दिक्कत है सर, बहुत परेशानी है। और उसके अलावा अभी इमीडिएटली तो नहीं हो सकता कुछ, पर 7 6 महीने के अंदर ब्लड शुगर भी नॉर्मल आ जा रही है बिना इंसुलिन के। अच्छा जी, तो सर ये टाइप 1 के मतलब कोई ग्रुप वगैरह बना हुआ है सर आपका ये इधर, मतलब कुछ ऐसा कुछ सर मैं क्या बताऊं, नॉलेज बढ़ती जाए अपनी। हाँ जी, लोग बताए ना बड़े अजीबोगरीब होते हैं,
जी जो ठीक हो जाता है ना जी जी, वो शुरू में जितने मर्जी प्रॉब्लम करे उसके बाद में उसका कोई मतलब नहीं रहता दुनिया से। ये भी होता है सर, और ये एक के साथ नहीं है, सबके साथ होता है। आपका 20 लाख ग्रुप हो, आपका एक कस्टर्ड आओ या कोई बातचीत करने के लगो और कोई बात ना करे तो उससे भी परेशानी होती है। पता नहीं शायद कोई फायदा ही नहीं है इसका। मेरे एक पेशेंट था 33 साल का, अच्छा जी, 33 साल की उम्र में डायग्नोज हुई ये टाइप 1 सर। हाँ जी, अच्छा जी, उसको इंसुलिन बताई, वो इंसुलिन लेता था पूरी की पूरी। और राजस्थान का बंदा था तो गर्मियों में उसका पानी का इंटेक होता था 7-8 लीटर, उसके अलावा दूध भी था उसका 1-1.5 लीटर। अच्छा, और उसके साथ प्रॉब्लम ये हो रही थी कि वो जितना मर्जी शुगर और इंसुलिन लगा ले, 60-65 यूनिट थी उसकी 4 बार दिन में। हाँ जी, हाँ जी, 65 यूनिट के बाद ही उसकी जो ब्लड शुगर आती थी 500 से ऊपर। तो जैसे ही उसने पानी को कम किया उसकी ब्लड शुगर एकदम से ड्रॉप होकर 250 पर आ गई। अच्छा जी, अच्छा। और 4-5 दिन में 150 पर आ गई, तो पीछे पीछे लगी। अच्छा अच्छा अच्छा, उनसे बात हुई 2 बारी, उसके बाद फोन ही नहीं उठाते। उसके बाद फोन नहीं उठाते। अच्छा, और एक और लड़का है 19-20 साल का जी, उससे पिछली बार हुआ था, उसमें वो 21 साल का था, 21 साल का, तो उसके साथ बातचीत शुरू हुई, उसकी इंसुलिन फास्टिंग भी 250 से ऊपर आती थी। अच्छा सर, तो 2 दिन के बाद उसकी वो 100 के करीब, 120 के करीब आने लगी फास्टिंग, पर दिन में उसकी बहुत चढ़ जाती थी। अच्छा जी, हाँ जी, और वो पहले भी हो रही थी, तो कम से कम फास्टिंग तो ठीक होने लगी, एनर्जी लेवल में फर्क पड़ गया। महीने 1.5 महीने तक तो बातचीत होती रही, फिर उन्होंने भी बात करना, फिर वो कहते जी मैंने योगा करना शुरू कर दिया, मेरी योगा से ठीक हो रही है। योगा वगैरह पहले भी किया था, योगा से होता कुछ नहीं, पर एक बार आदमी कॉन्शियस हो जाता ना, पानी को अगर रेगुलेट कर लोगे तो उससे फर्क पड़ जाता है। जो टाइप 2 वाले होते हैं उनको तो जल्दी पड़ जाता है, वो तो 15-20 दिन महीने में ठीक हो जाते हैं। अच्छा सर, ठीक है जी, इनका शुरू में पता चल जाता है। जी जी जी, और ये टाइप 1 क्यों नहीं क्योर होती सर? सर सब होती है, प्रॉब्लम ये होती है कि वो हम लेट कर देते हैं हर चीज को। देखो, बच्चों को ज्यादा पानी पीने का कोई मतलब नहीं है, 1 लीटर से ऊपर चाहे जितनी मर्जी गर्मी हो पानी नहीं पीना चाहिए। अब बच्चों का क्या होता है कि ठंडा पानी है, मीठा है, स्क्वैश है, कुछ भी चीज होती है, कोल्ड ड्रिंक्स है, बच्चे खेलने गए, खेल के आए तो मेरे ख्याल से ज्यादा पानी पी लेते होंगे, और एक बार जिसने ज्यादा पानी पी लिया उसको प्यास भड़कती जाती है, चाहे गर्मी हो या सर्दी हो। जहां आपने ज्यादा पानी पिया फिर वो प्यास बार बार मुंह सूखने लगता है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। और उसको तोड़ने के लिए सिर्फ 1 दिन चाहिए होता है, 1 दिन आप पानी कम करो अगले दिन प्यास खत्म हो जाती है। अच्छा जी, अच्छा जी। तो अब इसके ऊपर होना तो ये चाहिए कि भाई सबका एक वो बने, डाटा बने, और फिर उसके बाद सबको वार्निंग दे दिया जाए कि माँ बाप ध्यान रखे कि बच्चा पूरे दिन में 1 लीटर से ऊपर पानी ना पिए छोटी उम्र में। बिल्कुल सर, बिल्कुल सही कह रहे। अब वैसा कोई करके राजी नहीं है, कोई ग्रुप बनाकर कोई फीडबैक के बेसिस पर आगे चलकर इकट्ठे होकर, मतलब वो तो अगर 200-400 लोग भी सीरियस होकर इकट्ठे हो जाए ना, डायबिटीज वगैरह तो 6 महीने के अंदर खत्म हो जाए। प्रॉब्लम ये आ रही है कि सीरियस कोई होता ही नहीं है, कहीं पर पेरेंट्स को डाउट होता है इस बारे में। जैसे एक कोई सज्जन थे, उनके 10-12 साल का बच्चा था जी सर, अब वो फादर करना चाहते थे, मदर टीचर थी, वो कहती नहीं ये बेकार है पानी को कम नहीं करना। और एक आधी चीज और बताया था, इसमें बॉडी हमेशा अपने आप से ठीक करने की कोशिश करती रहती है। सर ये पानी जब आप कम कर देते हैं, पीना पानी कम कर देते हैं, तो ये मतलब डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम तो नहीं हो जाती फिर? सर डिहाइड्रेशन जो भी आदमी हॉस्पिटल में दाखिल होता है इसी में उसको ड्रिप लगा देते हैं। चक्कर यही होता है कि हाइड्रेशन ठीक रहना चाहिए, परंतु पूरी मेडिकल साइंस के अंदर हाइड्रेशन की डेफिनेशन या डिहाइड्रेशन की डेफिनेशन ही नहीं है। डिहाइड्रेशन का कैसे पता लगाते हैं? जीभ को देखकर कि जीभ सूख रही है, मुंह सूख रहा है कि नहीं सूख रहा, स्किन कैसी है। जी जी, हाँ जी। अब जो बंदा हमारे हिसाब से चलता है उसको 24 से 48 घंटे के अंदर उसके मुंह में स्लाइवा आ जाता है, सूखना बंद हो जाता है। अच्छा जी, पानी कम करने से। हाँ, तो वो डिहाइड्रेशन की डेफिनेशन कहाँ गई? अब डेफिनेशन तो ही ना, मुंह सूखे तो डिहाइड्रेशन हो रहा है। बिल्कुल सही बात है, सही अगर बात। पानी कम करके आपका मुंह में पानी आ रहा है और आपको बहुत ज्यादा पानी आ रहा है तो इसका मतलब तो डिहाइड्रेशन नहीं हो रही। ठीक है सर, सही कह रहे हो। अब ये वाली जो थ्योरी है ये पूरे मेडिकल साइंस को पलट देती है, पर इसको कोई भी सुन के राजी नहीं, ना देख के राजी। और इसमें ये नहीं है कि 6 महीने लगते हैं, 2 दिन लगते हैं, 1 दिन लगता है, ज्यादातर नॉर्मल आदमी है ना, मान लो कोई 3-4 लीटर पानी पी रहे हैं, 100 बंदे इकट्ठे करो, उनको 1 दिन पानी बंद करो,
या कम कर दो, जैसे बता रहा हूँ कि खाने के साथ एक गिलास पानी पीना है, तीन गिलास पानी पिया 600-700 ml, और अगले दिन रिपोर्ट ले ली कि उसके मुंह में सलाइवा बढ़ा नहीं बढ़ा, तो उसे अपने आप क्लियर हो जाएगा। डिहाइड्रेशन किसको कहते हैं, मैं 10 लोग मेरे यूट्यूब चैनल पर देखोगे, मैं बहुत से लोगों से पूछता हूँ और 80-90% लोग यही कहते हैं सलाइवा बढ़ गया, सलाइवा बढ़ गया। अच्छा, किसी को ज्यादा प्रॉब्लम होती है तो उसको सलाइवा, अभी जैसे एक और लड़की थी 26-27 साल की, जी सर, तो उसका पानी का इंटेक सर्दियों में भी 8-10 गिलास था, तो उसका कम किया तो उसका सलाइवा एक दिन नहीं बढ़ा, दो दिन नहीं बढ़ा, और उसका करीब करीब एक समझ लो पूरा हफ्ता ही कभी कभी बढ़ रहा था, पूरा प्रॉपर जैसे दूसरे लोगों बढ़ता वैसे नहीं बढ़ा। अच्छा जी, अच्छा जी। तो उसका पानी एक हफ्ते तक नहीं बढ़ाया, उसको पेन होती थी तो उसकी पेन एक हफ्ते में ठीक हो गई, एक हफ्ते भी नहीं, शायद 4-5 दिन में ठीक हो गई। तो सर ये पानी की रूटीन ऐसे रखनी होती है, मतलब खाने के साथ ही चलेगा पानी या उसके बाद मतलब और भी पानी पीना कि नहीं पीना? देखो मेरा एक रूटीन है, वो एडल्ट्स के लिए है, आपको किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो या ना हो उस रूटीन को फॉलो करो, आपको 2-4 दिन में रिजल्ट दिख जाता है। उसमें होता है कि जैसे रूटीन में मोटा मोटा बता दूं, ऐसे आपको ऐसे में व्हाट्सएप कर दूंगा मैं अभी। अच्छा। उसमें पहले दिन 3 गिलास पानी पीना है खाने के साथ, 3 बार खाना खाना है, अगले दिन 2 बार खाना खाना है, 2 गिलास पानी पीना है, उसके अगले 6 गिलास पानी पीना है, 3 बार खाना खाना है, और खाना खाने से 1 घंटा पहले 1 गिलास और खाने के साथ 1 गिलास, तो हर बार 2-2 गिलास करके 6 गिलास हो गए। अच्छा, ये आप बच्चे के लिए बोल रहे हो या मतलब ऐसे रूटीन में सबके लिए? हाँ जी, एडल्ट के लिए, बड़े के लिए। अब बड़ों के लिए, ठीक है ठीक है। तो बच्चे का उसका आधा कर दो, छोटे 8 साल का बच्चा ना, तो उसका आधा आधा ग्लास कर दो। ठीक ठीक है जी, बस इतना कर दीजिए और वो चल जाएगा। तो बेसिकली इस रूटीन से जो बहुत सीरियस प्रॉब्लम होती है ना, जिसको लाइफ थ्रेटनिंग कहते हैं कि भाई लीवर फेल हो गया या किडनी में स्टोन हो रहे हैं, अब जैसे डिहाइड्रेशन का सबसे पहले तो डराते हैं किडनी खराब हो जाएगी, इस रूटीन को फॉलो करने का जिसकी किडनी में कोई भी प्रॉब्लम वो ठीक हो जाती है। ठीक है सर, अच्छा जी। तो इससे आज तक तो कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, ज्यादा से ज्यादा 1-2-3 बंदों ने बोला है कि किडनी स्टोन हो गया। अब किसी के स्टोन पड़ा हो और या इसमें क्या होता है कि किडनी में सिस्ट बनती है, इससे ब्लड सर्कुलेशन ठीक होता है, सिस्ट टूट जाती है, वो टूट के स्टोन में कन्वर्ट हो गई, तो उसको ऑपरेशन करके निकाल लिया, तो वो अगर तो स्टोन में हो रही थी तो उसको तो प्रॉब्लम बढ़नी बढ़नी थी किसी ना किसी तरीके से। अब इससे क्या हुआ कि इससे भाई किडनी में स्टोन हुआ, वो निकल गया और उसके बाद परफेक्ट हो गया। तो अगर, और वो भी तब होता है ज्यादातर केसेस में, जैसे किसी को बताया 4-5 लीटर पानी पी रहा है, उसको बोला कम करने को, उसने कम किया, पर अगले दिन उसको घबराहट होती है, अगले दिन फिर 5 लीटर पी लेता है। तो ज्यादातर ऐसे केसेस में हुआ है, जिसने प्रॉपरली मान के उसको एज इट इज कर लिया, उसको कोई दिक्कत नहीं हुई, उसको कोई दिक्कत नहीं हुई। ठीक है सर, क्योंकि जो एकदम से बढ़ा लो फिर दिक्कत हो जाती है, वो जितना भी होता है ना, वो केमिकल्स वगैरह। एक और कह रहा था मैं बात, ये बच्चा हमें जैसे खाने से पहले हम इसको सलाद देते हैं, सुबह फ्रूट वगैरह देते हैं, कोई जरूरत बंद कर दो। अच्छा, वो बंद कर दे, वो ज्यादा डेंजरस है। अच्छा जी, ये जो बिस्कुट रॉय चौधरी है ना जी, अब इसने जूस पर आ गया, पहले फ्रूट फ्राइड बोलता था डीआईपी डाइक में, अब आप इसकी लेटेस्ट वीडियो उठा के देखो, ये अब सिर्फ डीआईपी डाइक बोलता है, वो जूसेस का बोलता है, ग्रीन जूस और रेड जूस। अच्छा 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 अच्छा। और उसका कारण भी है कि मैंने इसके वीडियो उठा के ना, इसके जो पेशेंट थे जिनको मेरी कॉल आई, तो उन लोगों के रिकॉर्डिंग मैंने डाली हुई थी यूट्यूब में, और वीडियो इसका नाम लिखा हुआ था कि इसकी वजह से लीवर फेल हो रहा है लोगों का, जो ये फ्रूट और ये लेते हैं इससे लीवर कमजोर होता है, लीवर कमजोर होने से शुगर और बढ़ेगी आपकी। शुरू में महीना 2 महीने तो फायदा होता है जी, हाँ जी, हाँ जी। फायदा सिर्फ इस हद तक होता है कि शुगर कम हो जाती है जी सर जी, परंतु उसके बाद शूट अप करने लगती है, उसके बाद आप इंसुलिन जितनी मर्जी बढ़ाते रहो ठीक नहीं होती। ये प्रॉब्लम होती है, और ये इसका कोई लॉजिक नहीं है, बच्चों को बड़ा होने के लिए प्रोटीन चाहिए। अब फल में कहाँ प्रोटीन होता है, और वो जो सलाद होती है उसमें प्रोटीन कहाँ होता है आप बताओ। और जो बच्चा इस डाइट पर आ गया, उसको प्रोटीन का डाइजेशन ही नहीं होगा, उसका धीरे धीरे कमजोर हो जाएगा और लीवर और वीक हो जाएगा। बच्चा तो वैसे कमजोर है अपना, तो उसे और ज्यादा दिक्कत होगी। बच्चे को शुगर में दोगे तो थोड़ा सा ठीक लगेगा, क्योंकि शुगर मिल गई फ्रूट्स वगैरह में, तो थोड़ा सा पर आप चीनी खा के थोड़ी जी सकते हो, आप बस 2 दिन चीनी खा के देखो, आपका सर घूमने लग जाएगा। बिल्कुल सर। तो सर ये अपना बंद करके देखें फिर, अपना फ्रूट वगैरह और सलाद वगैरह बंद कर, बिल्कुल बिल्कुल बंद कर दीजिए, 1-2 महीने तो बिल्कुल ही बंद रखो, अगर देना भी हो तो हफ्ते में सिर्फ 1 दिन। अच्छा जी, इससे ज्यादा मत लो। मैंने भी अपना काफी देर से फ्रूट वगैरह बंद किया, पहले हम भी लेते थे। अच्छा जी। तो कोई भी चीज एक्सेस में लेते हो तो उसका प्रॉब्लम होती है। और देखो सबसे बड़ी पहचान क्या होती है, आपको आलू कितने साल में, साल में 6 महीने मिलता है ना आलू, प्याज भी आपको साल में 12 महीने मिलते हैं, 6-7-8 महीने तो मिलता ही है। बिल्कुल सर। जो भी सब्जी होती है 2-3 महीने की लाइफ तो होती है ना उसका सीजन।
बिल्कुल सर बिल्कुल, हाँ जी हाँ जी। फ्रूट का सीजन देखो, फ्रूट की जो जो एकदम टॉपर होता है ना सीजन, जब अच्छा होता है 7-8 दिन का होता है बस। जी 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 बिल्कुल, इसका मतलब है ज्यादा खाना नहीं चाहिए, कोल्ड स्टोरेज में रख रख के उसको केमिकल लगा लगा के राइप करा के वो खिलाते हैं लोगों को, ना स्वाद होता है ना कुछ होता है, जो सीजन होता है वो तो 6-7 दिन का ही होता है। मतलब ही खाना चाहिए। ठीक है सर, ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है सर, बहुत बहुत मेहरबानी आपकी, हमें भेजे फिर आप ये वाला शेड्यूल पानी का जो भी है। हाँ, मैं भेज रहा हूँ, दोनों को देखते हैं, वॉक एंड रेस्ट भी, इसको भी ध्यान रखो। हम 2-3 दिन करके तो देखते हैं कि कैसे मतलब क्या फर्क पड़ता है, शुगर लेवल में कम होती है या बढ़ती है, कैसे होती है। सर शुरू में तो कम हो ही जाती है, मेन चीज होती है कि लॉन्ग रन में क्या हो रहा है। कितने दिनों तक ये चलती है अपना, शुरू में आप कह रहे हो शुरू में 15 दिन कम होती है, उसके बाद तो हो जाती है फटाफट, अगले दिन ही हो जाएगी। उसके बाद बढ़ने लगती है, पर उसके बाद भी जब बढ़ती है तो पानी का शेड्यूल और ये वॉक एंड रेस्ट को सीरियसली करते रहो। अच्छा जी, तो कंट्रोल में रहती है। उसके बाद अगर बढ़ती भी है ना, तो एनर्जी लेवल को देखो, अगर एनर्जी लेवल मेंटेन रहता है ना, हाँ, तो उसका मतलब है कि आपके सेल्स में जितनी ग्लूकोज की कमी है वो पूरी होने की बॉडी की कोशिश होगी, एक ही दिन में पूरी हो जाए, तो बॉडी बढ़ा देती है। बस जहां पर ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता है तो सुस्ती आने लगती है, नींद आने लगती है, बस वहां पर देने की जरूरत है। अदरवाइज इंसुलिन भी आप 2 दिन में बंद कर दो, सिर्फ तभी तो जब सुस्ती आ रही हो। अच्छा जी, अच्छा, अगर सुस्ती नहीं आ रही, नींद ज्यादा नहीं आ रही तो कोई नहीं। सर जैसे 300-350 कभी रात को हो जाती है तो फिर इंसुलिन तो देना ही पड़ता है ना, ना फिर कोई... उस केस में क्या करें? आप सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज देखो, 300-400 मत देखो, आप सिर्फ ये देखो कि उसका एक्टिविटी लेवल क्या है, उसको कितनी सुस्ती आ रही है, कितना वो परेशान महसूस कर रहा है। अगर परेशानी नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, फिर कोई दिक्कत नहीं है। आप जिस समय डॉक्टर के पास लेके गए उसका मतलब ये थोड़ी कि आप जिस दिन लेके गए उसी दिन शुगर बढ़ी थी, उससे 2-3 महीने पहले बढ़ी होगी, वो भी तभी तो 400-500 चली रही होगी ना। बिल्कुल, हाँ जी, कौन सी तब कोई दिक्कत हो गई, तो एक आध दिन में ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती किसी के साथ भी, ज्यादा होने से कम होने से दिक्कत होती है। लोगों को कई सालों साल नहीं पता चलता, कोई एडल्ट आदमी आपको भी पता है 6-6 महीने तक बॉदर नहीं करता कि शायद मौसम की वजह से होगा, शायद इस वजह से होगा, शायद उस वजह से होगा। जी जी जी, हाँ जी, तो इसके सर यही है ना कि साइड इफेक्ट इतने बताते हैं कि बंदा डर जाता है। सर आप एक बात को समझो, आपके सेल्स में शुगर नहीं है, आपका जो शरीर होता है शुगर पर चलता है अल्टीमेटली। आपके जो शुगर डायबिटीज होती है ना, ये आपकी बॉडी का डिफेंस सिस्टम होता है, ये बीमारी नहीं है। आपके सेल्स को शुगर नहीं मिल रही, अब शुगर को देने का क्या तरीका है कि भाई आपका जो ब्लड होता है वो ट्रांसपोर्टर होता है न्यूट्रिएंट्स का, शुगर ग्लूकोज न्यूट्रिएंट प्रोटीन जो भी देना होता है ना सेल को, जी सर, ब्लड के थ्रू जाता है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। अब आपके शरीर में एनर्जी कम बन रही है तो शरीर क्या करेगा, उसको पूरा करेगा, अगर पूरा नहीं करेगा तो आपका दिल दिमाग ठीक से काम नहीं करेगा, अगर वो ठीक से काम नहीं करेंगे तो हेल्थ खराब होगी। एज ए डिफेंस मैकेनिज्म शुगर बढ़ती है या ब्लड प्रेशर बढ़ता है या हार्ट की पल्स रेट बढ़ जाती है। जी सर, जी। हम दवाई देकर जबरदस्ती उसको कम कर देते हैं, हमारी कोशिश होती है 100 के नीचे लेके जाने की। जी, हाँ जी, जी, जितना ज्यादा उसको कोशिश करोगे नीचे जाने की उतनी जल्दी दूसरी बीमारियां और होंगी, अगर शुगर है तो ब्लड प्रेशर होने के चांसेस रहेंगे, हार्ट की प्रॉब्लम होने की प्रॉब्लम रहेगी, ज्यादा चांसेस रहेंगे, तो इसको बहुत ज्यादा नीचे मत लेके जाओ, 200 के आसपास रखो कि 200 तक शुगर आराम से पहुंच जाती है आपके सब जगह पर। ठीक सर, ठीक है। तो वो जो कंसेप्ट होता है ना कि उसको बहुत ज्यादा टाइटली कंट्रोल करो, टाइटली मत कंट्रोल करो। ठीक है सर, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ओके, मैं भेज रहा हूँ। ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू।